morning. Jai Kripado. What is life? जीवन क्या है? कभी बैठ के सोचा है क्या? What is exactly this life? Just to breathe in and breathe out? खाली सांस लेना? तो वो तो एक कबूतर भी लेता है और एक कौवा भी लेता है, isn't it? मृत्यु की प्रतीक्षा करना क्या जीवन है? मृत्यु की प्रतीक्षा करना, तो वो तो पेड़ पे लटका एक फल भी तो प्रतीक्षा करता है. That fruit also waits when his time will be over. तो what is life? Just to react in whatever situation, whatever circumstances you face, प्रतिक्रिया करना, react करना, is that a life, human life? But then we have seen, even dog reacts. If somebody is offering a piece of bread, dog is happy. If somebody is teasing a dog, dog is also sad, he is miserable. Then what is so special about this human life? What is so special? ऐसा क्या खास है इस जीवन के लिए कि ज्ञानियों ने, संतों ने इस जीवन को परम जीवन कहा है? इस जीवन को वह स्टैम्प दिया है कि जिस जीवन से यू कैन अटेन द फाइनल लिबरेशन, द फाइनल स्टेट ऑफ सेलिब्रेशन, द फाइनल ब्लिस. सो व्हाट इज द लाइफ? क्या है जीवन? द गोल ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ, एज वी सॉ यस्टरडे, द गोल ऑफ एवरी गर्ल इज. सो यू रिमेंबर ना कि रात गई बात गई ऐसा तो नहीं है, रात गई बात गई वाला सिस्टम नहीं है ना. दैट्स फाइन. द गोल ऑफ एवरी गोल, मे बी वो कबूतर हो, मे बी वो फल हो पेड़ पर लटका, या मे बी कुत्ता हो, लेकिन हर कोई चाहता तो खुशी है. बस उनकी इंटेलेक्ट डेवलपमेंट इतनी नहीं है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ इतना नहीं है कि दे कैन एग्जैक्टली फिगर आउट वेयर दिस हैप्पीनेस इज. बट द गोल ऑफ एवरी गोल इज टू अटेन हैप्पीनेस, इज टू लिव इन हैप्पीनेस. एंड एज वी सॉ यस्टरडे नाइट, दैट एज दैट ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट हैप्पीनेस इज अ चॉइस दैट आई माइसेल्फ मेक बिफोर इवन आई एनकाउंटर द सिचुएशन. हैप्पीनेस इज प्री डिस्टाइंड, इट इज माई ओन चॉइस. दिस एटीट्यूड मेक्स ऑल द डिफरेंस इन लाइफ. बट हाउ? ये एटीट्यूड आए कहाँ से? एंड फॉर दैट ओनली वी नो कि हमें मालूम ही नहीं है कि इस हैप्पीनेस को एग्जैक्टली ढूंढना कहाँ है और ढूंढना कैसे है. जैसे तुम्हें मालूम है कि भूख लगे तो भोजन के पास जाना है, तुम्हें मालूम है कि नींद आए तो पलंग के पास जाना है. यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट ना, दैट इफ यू आर हंग्री यू हैव टू गो टूवर्ड्स फूड और यू गो टू बेड. यस, व्हेन यू आर एंग्री देन यू कैन गो टू बेड. बट जनरली स्पीकिंग यू ऑल नो वेरी वेल दैट इन द केस ऑफ हंगर यू हैव टू गो इन सर्च ऑफ फूड, इन केस ऑफ स्लीप यू हैव टू गो इन सर्च ऑफ बेड. इजंट इट सो क्लियर? Is there any confusion for that? So this clarity is power. And the confusion begins in this path when you are in search of happiness, because you exactly don't know where and how to locate this happiness. तुम्हें ठीक-ठीक से कुछ नहीं पता, थोड़ा-थोड़ा पता है. आइसक्रीम खा के मजा आता है. रात को कुछ खाया था ऐसा आइसक्रीम जैसा? सबने खाया था ना? You can have it, don't worry. थोड़ा थोड़ा तुम्हें लगता है आइसक्रीम खा के मजा आता है. और ऐसे ही किसी पारुल प्रभु कहाँ गए? ओहो, इनसे पूछो आइसक्रीम खा के कैसा मजा है. एंड शी विल से इट इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, इट हैपन टू बी द लास्ट डे ऑफ माई गुड हैप्पी लाइफ. बाकी तो लाइफ कीप्स ऑन गोइंग, खाली सांस लेना ही जिंदगी है, तो जिंदगी तो चलती है. लेकिन खुशी पूर्वक जीने का वो मेरा आखिरी दिन होगा, जिस दिन मैं रात के टाइम, वो भी मसूरी की ठंड में, आइसक्रीम खा लूँ. There's a big story behind it. You want to listen that? No, I don't think it is required in this freedom from fire.
इट्स फाइन. सो यू एग्जैक्टली डोंट नो वेयर एंड हाउ टू लोकेट दिस हैप्पीनेस. तुम्हें मालूम नहीं है. क्लैरिटी इज पावर एंड कंफ्यूजन इज वीकनेस. आइदर यू क्लियरली नो कि मुझे मालूम है या यू क्लियरली नो कि मुझे नहीं मालूम. बोथ द केसेस इट इज पावर. बट यू से हाँ थोड़ा थोड़ा मालूम है और थोड़ा थोड़ा नहीं मालूम. ऑल द कंफ्यूजन बिगन्स फ्रॉम हेयर. रिसेंटली वी वेंट टू हैदराबाद एंड सिंस वी वर न्यू टू द सिटी वी वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. वी वर क्लियर दैट वी आर न्यू एब्सोल्यूटली न्यू टू द सिटी ऑफ हैदराबाद. सो वी वर एट एब्सोल्यूट ब्लिस. वी वर एट एब्सोल्यूट ईज. वी वर एट एब्सोल्यूट हैप्पीनेस बिकॉज द कार यूज टू कम and pick us from airport. Car used to take us and drive to the resort we were staying. Car used to take us back from the resort and put us back to the airport. No confusion because we were very clear that we are ignorant about this state called Hyderabad. About Delhi also, I am very confident. I am very clear because I know all the lanes and all the by lanes and all the one ways in Delhi. So I am very clear about Delhi. There is no problem. So I am at bliss. At what time I should travel, at what time I should leave the house, at what time I should come back home so that I can avoid the traffic signals, so that I can avoid the rush hour traffic. I am very clear about Delhi traffic. So there is no confusion. No confusion. And this confusion is power because it saves so much of mental energy, so much of your time, isn't it? But the confusion begins when you land in the city of Mumbai. All the confusion begins when you land in the city of Mumbai, where you think you know the city, but you exactly don't know. And we were about to miss our flight. Recently, we went to meet some relative and he was suffering from some illness. So we went to see them. And on the way, Nilesh Prabhu said, let's meet our grandmom also. And we went to meet. I asked, okay, how far is airport from that? He said it's only 10 minutes. And I think it's Andheri East and airport are only 10 minutes. And we happily moved. We saw our grandmom and everything was quite good. Everything was as per our schedule until the time we realized that we are stuck in deadly traffic which can't be recovered in next are also. And we were about to miss the flight, but by the grace we could catch it finally. The question is there that either you know the situation or you know that you don't know the situation. In both the cases you are powerful. But if you think you know and you don't know, if you think thoda thoda pata hai Mumbai ka, aisa 10 minute lagte the lekin 10 saal pehle, 10 saal mein to Mumbai kahan pahunch gaya hai, matlab kitna piche pahunch gaya hai. It takes so long from Andheri East to airport. Either you know clearly, you know it. Either you know clearly, you don't know it. In both cases, it is power. But you say, I know it a bit. And I think it's right. It's like this. It's a confusion. Either you know it very well that H2O means. Either you know it clearly. Or you know it very clearly. I don't know what does this H2O means. In both case, it's okay. Clarity is power. But in case you say H2O, yes, I think I know. Yes, I think I know. It is capital of, Kolkata. How can a person work with this mindset? How can you proceed ahead with this mindset? So are you clear about this fact that clarity is power, whether you know it or you don't know it? Be clear about it. Or confusion is weakness. Jahan double aa gaya na, H2O is capital of India. Yahan se sari gadbad shuru hoti hai. Aur zindagi mein bhi tum yahi gadbad kar rahe ho. Why this happiness which is already existing in you, which is 24/7 your own thing, still you are not getting it? Because you are not clear. You are in the confused state of mind. From where to find this happiness? इन खुशियों को ढूंढना कहाँ है? We are here to learn freedom from fire. And freedom from fire को learn करने से पहले we should
पैरेलली वी शुड अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस इवॉल्व होती कहाँ से है. एंड फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू ट्रेस बैक द पाथ बैक टू द अर्ली मैन. हाउ द अर्ली मैन brought in some spiritual revelations. What was the spiritual evolution of early man? So are you ready with it? You are clear that you don't know. Kisi ko malum hai early man ki spiritual evolution kya thi? Spiritual, huh? Don't tell me that stone age man and then this age man and not that. What was the early man's spiritual evolution? Kahan hai topper? Topper to ho tum. But you don't know na? Okay, that's good. या तो यू नो एब्सोल्यूटली दैट यू डोंट नो, या तो इफ इज देयर इज एनीबडी हु नो इट, और या कोई है ऐसा भी स्टिल देयर इज समबडी लेफ्ट हु से थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है कि व्हाट इज द स्पिरिचुअल रिवेलेशन स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन. ऐसा भी कोई है? इफ दिस परसेप्शन इज स्टिल विद यू आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉप इट राइट नाउ. तुम यही सोच के चलो कि तुम कुछ भी नहीं जानते, देन ओनली यू विल बी एंजॉय द कमिंग वन आवर. बिकॉज इफ यू हैव ऑलरेडी कम विद योर माइंड फ्रोजन, इफ यू हैव ऑलरेडी कम विद सम ऑफ योर अर्लियर परसेप्शंस ऑलरेडी फ्रोजन, यू अंडरस्टैंड, कोई जमी सेट हो गई मान्यता के साथ, यदि तुम यहां पर इस हॉल में बैठे हो, नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ यू. तुमने कभी बर्फ पे खेती होते देखी है? हैव यू एवर सीन कि बर्फ पे खेती होती है? मोरा आंटी आप लोगों के वहां होती है? बर्फ पे खेती नहीं हो सकती, बिकॉज द थिंग विच इज फ्रोजन इट इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग द वर्ल्ड समथिंग न्यू. वेन योर माइंड इज फ्रोजन इट इज सील्ड विद सम प्रायर परसेप्शंस, देन it is not capable of learning anything new. So you have to drop your prior perceptions about the evolution of early man, and then we can enter into a healthy discussion or healthy understanding. Shall we proceed? Yes. So the early man, kahani ki tarah sunna, tumhe bada maza aayega, bilkul boring nahi hai, kahani ki tarah isko sunna, and you will be able to reach to a wonderful decision. तुम्हारे लाइफ की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी. तुम जो छोटे छोटे से बच्चे हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स को जो रिविलेशंस नहीं है ना, शायद तुम लोगों को इस क्लास से मिल जाए. सो द अर्ली मैन वॉज वॉकिंग टॉकिंग ईटिंग सिंगिंग डांसिंग विद हिज फ्रेंड. दे वर हैप्पीली लिविंग इन दैट जंगल्स इन दोज प्रिमिटिव टाइम. जंगल में ही रहते थे वो लोग, आराम से अपना खाते थे, पीते थे, सोते थे, खेलते थे, नाचते कूदते थे. थोड़ा बहुत हंटिंग वगैरह उनका प्रोफेशन हुआ करता था उस टाइम, किया करते थे. एंड द अर्ली मैन थॉट के बदले अर्ली मैन रिवील्ड दिस थिंग, ही अंडरस्टूड दिस थिंग दैट मैन ह्यूमन बीइंग इज दिस बॉडी. बिकॉज दिस बॉडी इज वॉकिंग, दिस बॉडी इज टॉकिंग, दिस बॉडी इज ईटिंग, दिस बॉडी इज स्लीपिंग, दिस बॉडी इज डांसिंग, this body is singing. So man means this physical body. This was the first thought early man used to perceive. But suddenly what happened one day, ek din achanak usne dekha ki apne jis dost ke sath wo khelta tha, baatein karta tha, chalta tha, ghoomta tha, all the activities which were vertically there, suddenly his friend laid horizontally, suddenly his friend stopped talking, suddenly his friend stopped dancing, stopped eating, stopped walking, suddenly everything stopped. He observed this phenomena in front of him. आज तक जो दोस्त मेरे साथ बातें करता था, चलता था, घूमता था, अचानक he is lying flat, he is lying horizontally down. So it provoked evolution of early man in terms of that he started thinking this thing that there must be something inside this body, there must be something inside this physical body in whose presence the body functions and in whose absence the body doesn't functions. जिसकी प्रेजेंस में जरूर ऐसी कोई चीज होनी चाहिए इस फिजिकल बॉडी के अंदर, जिसकी प्रेजेंस में ऑल द फाइव सेंस ऑर्गन्स आर वर्किंग, दे आर फंक्शनिंग परफेक्टली वेल, एंड इन हूज एब्सेंस
जिसकी एब्सेंस में कुछ भी काम नहीं करता. सो द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन, द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन एंड द स्पिरिचुअल रिविलेशन ऑफ अर्ली मैन वॉज दैट द मैन इज नॉट ओनली दिस फिजिकल पर्सनैलिटी. द मैन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, दैट इज अ फॉर्म, अ पर्सनैलिटी जिसे वो देख सकता था, अ फॉर्म एंड अ फॉर्मलेस, क्योंकि उस चीज को वो देख नहीं पा रहा. ही कैन अंडरस्टैंड थ्रू हिज इंटेलेक्ट कि देयर मस्ट बी समथिंग जिसकी प्रेजेंस में आंखें देख पा रही थी, हाथ चल पा रहे थे, पैर चल पा रहे थे, मुंह खाना खा पा रहा था, मुंह बोल पा रहा था. बट समथिंग हैज गॉन फ्रॉम दिस फॉर्म, फ्रॉम दिस फिजिकल बॉडी इन हुज एब्सेंस नथिंग इज वर्किंग. और ऐसा देखकर उसने ये निर्णय, ये नतीजा निकाला कि मैन इज नॉट ओनली दिस फिजिकल फॉर्म, मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड समथिंग विच इज फॉर्मलेस. उस फॉर्मलेस को तुम स्पिरिट कहो, तुम आत्मा कहो, तुम परमात्मा कहो, तुम गॉड कहो, तुम कुछ भी कह सकते हो, बट इट इज फॉर्मलेस, इट इज स्पिरिट, इट इज स्पिरिट. एज यू कैनॉट सी द स्पिरिट ना, स्पिरिट इज समथिंग विच कैनॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट. स्पिरिट इज समथिंग, कहते हैं ना कि भक्ति में कितना स्पिरिट था. कैन यू सी इट? कैन यू सी द स्पिरिट? बट यू कैन फील दैट स्पिरिट. सो द अर्ली मैन सेड कि इसका मतलब ये है कि जो चलता फिरता घूमता व्यक्ति मेरे साथ था, दैट वॉज नॉट द ओनली पर्सन, दैट वॉज नॉट द ओनली मैन. उसके साथ साथ देयर मस्ट बी समथिंग inside this form, something inside this physical form in whose presence the body functions and in whose absence the body doesn't perform any function. So the man is a combination of physical form, physical personality and a spiritual personality. This was his first, second revelation, because his first revelation was that man is a physical form. He's just a physical personality, but when he saw his friend lying horizontally, he concluded this second revelation and he said, man is not only the physical personality, wo combination hai physical aur spiritual personality ka. Aur chunki usne aisa kaha ki there is something inside the body, inside the physical form in whose presence the body works, so he tried to find the spirit inside, and that is in your DNA. ये चीज तुम लोगों को अर्ली मैन से तुम लोगों ने डिराइव की है, बिकॉज वेन एवर समबडी वॉन्ट टू परसीव गॉड, वेन एवर समबडी वॉन्ट्स टू नो हिज आत्मा, वो आंखें खुली नहीं रखेगा, आंखें बंद कर देगा. तुम देखना, तुम कितनी भी मेहनत करके किसी भी भगवान के दर्शन करने जाओ, तुम वैष्णो देवी माता के पास भी कितनी कितनी मेहनत से चढ़ते हुए जाओ, बट द मोमेंट यू आर इन फ्रंट ऑफ दैट ऑल्टर, द मोमेंट यू आर इन फ्रंट ऑफ दैट वैष्णो देवी माता की जो मूर्ति है, स्मॉल मूर्ति, स्मॉल वहां पे जो श्राइन है, वहां पर तुम पहुंचो एंड इमीडिएटली व्हाट विल यू डू? यू विल क्लोज योर आइज. जिन्हें देखने तुम इतनी दूर से गए थे और जिनके सामने जाकर तुम्हारी आंखें तुरंत बंद हो जाती है, व्हाई? बिकॉज समवेयर फ्रॉम दैट अर्ली मैन दिस इज बीन प्रिंटेड इन योर डीएनए, एट योर डीएनए लेवल, के इफ यू वांट टू फाइंड द डिवाइन यू हैव टू क्लोज योर आईज. और जिसे ये बात समझ में आ जाती है उसे बार बार वैष्णो देवी की यात्रा नहीं करनी पड़ती. हाँ, जो लोग खाली फन के लिए करते हैं, दे कैन गो थ्राइस इन अ ईयर एंड दे कैन गो फाइव टाइम्स इन अ ईयर, बट जो दर्शन करने वहां जाते हैं उन्हें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि आदिनाथ भगवान पालीताना के पहाड़ों पे नहीं रहते. आदिनाथ भगवान को यदि पाना है तो वो मेरे भीतर रहते हैं. सो द अर्ली मैन वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, दैट इफ आई वॉन्ट टू सी दैट फॉर्मलेस in whose presence the body functions and in whose absence the body doesn't function, he tried to close his eyes and he tried to find it inside. क्योंकि उसी ने कहा ना, कुछ ऐसा है उसके अंदर जिसके कारण उसका शरीर काम कर रहा है, लेकिन जिसके जाते ही शरीर काम कर देना बंद कर देता है, तो वह उसे ढूंढने के लिए आंख बंद करके बैठा. और जैसे ही उसने आंख बंद की, व्हाट ही ऑब्जर्व देयर,
उसने जैसे ही आंखें बंद की तो उस अर्ली मैन ने क्या ऑब्जर्व किया वहां पर, उसने देखा कि आंख बंद करते ही अंदर तो हमें पेड़ दिखते हैं, अंदर तो हमें लायन दिखते हैं, अंदर तो हमें रिवर्स दिखती है, अंदर तो हमें फ्रूट्स एंड ट्रीज दिखते हैं, अंदर तो हमें पीपल विद दोज लॉन्ग लॉन्ग स्पीयर्स, तब हुआ करते थे ना भाले, उन भालों के साथ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े भाले और लोग दिखते हैं। आंख बंद करते ही यही तो दिखेगा उसे, यही सब उसने देखा। सो ही थॉट कि व्हाट इज दिस, जो चीजें मैं बाहर देखता हूं, जो कुछ भी, उसने ट्री देखा तो वो ट्री अंदर दिखता है उसे आंख बंद करते ही, वो भाला देखता है तो भाला उसे अंदर दिखता है, वो लायन को रोर करता हुआ देखता है बाहर खुली आंखों से, तो जब वो आंखें बंद करके उस फॉर्मलेस को ढूंढने जाता है तो फॉर्मलेस के बदले उसे वापस वो रोरिंग लायन दिखता है। ये क्या गड़बड़ है? सो ही ब्रिंग इन, सो ही पुट फॉरवर्ड अनदर रिविलेशन, एंड दिस वॉज द थर्ड स्टेज ऑफ हिज स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, वेयर ही मेंशन्ड दैट वॉट एवर आई सी इन द आउटसाइड वर्ल्ड, मैं जो कुछ भी बाहर की दुनिया में देखता हूँ, इट मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, एंड दिस इम्प्रेशन इज कॉल्ड थॉट। देयरफॉर मैन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल पर्सनैलिटी, दैट वॉज अ फॉर्म, दिस फिजिकल फॉर्म, प्लस स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी दैट वॉज फॉर्मलेस, प्लस दिस मेंटल पर्सनैलिटी विच इज थॉट्स। आर यू गेटिंग मी? आर यू विद मी? आई नो इट इज बिट न्यू, इट इज नॉट टफ, बिकॉज तुम पहले से इसे टफ का लेबल लगा दोगे ना तो तुम नहीं समझ पाओगे, या दिस इज समथिंग न्यू विच हैज नॉट बीन इन टू योर सिलेबस टिल नाउ, जो तुम्हारे आज तक के स्कूल के सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, बट दिस इज द वे वी हैव टू फाइंड आर वे टू हैप्पीनेस। सो वॉट डिड टिल नाउ अर्ली मैन कंक्लूडेड? फर्स्ट ही सेड, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन ही सेड, मैन इज जस्ट अ फिजिकल फॉर्म, खाली ये बॉडी है। इन द सेकेंड स्टेप ऑफ इवोल्यूशन वॉट डिड द अर्ली मैन सेड? मैन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। फिजिकल पर्सनैलिटी हैज अ फॉर्म बट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी इज फॉर्मलेस, एंड ही अंडरस्टूड दैट उस फॉर्मलेस के कारण ही ये फॉर्म काम कर रहा है। ही अंडरस्टूड दिस थिंग एटलीस्ट, ये फॉर्मलेस के कारण ही ये फॉर्म काम कर रहा है। और उसको ढूंढने के लिए जब उसने आंखें बंद की तो जो जो चीजें वो बाहर देखा करता था वो सारी चीजें उसे अंदर दिखी। यहां उसने क्या कंक्लूड किया कि वॉट एवर वी परसीव इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इट मेक्स एन इंप्रेशन ऑन अवर माइंड समवेयर विच इज कॉल्ड एज थॉट्स। देयरफॉर द मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल पर्सनैलिटी एंड मेंटल पर्सनैलिटी। Few days later, what happened that he and his another friend were moving across the jungle, and he saw a fruit on the tree. Immediately, instantly, as he saw the fruit, he ran to pluck it from that tree and he wanted to eat. There was an urge of eating that fruit immediately. But he noticed that his friend has a repulsion. Secondly, he saw that suddenly a lion roared. Immediately, his natural instinct came out to be, he took his spear, अपना भाला उठाया और lion की दिशा में भागा उसे मारने के लिए. And on the contrary, his friend, what did he do? He immediately withdrew himself back into his hut. वो भाग गया lion से पीछे और ये भागा lion की तरफ. Apple देखकर इसे खाने का मन हुआ और इसके फ्रेंड को खाने का मन नहीं हुआ. ऐसा होता है ना, इन अ सिंगल सिचुएशन द रिस्पॉन्स में वेरी। यहां से उसने फोर्थ इवोल्यूशन स्टेज को अनवील किया, रिवील किया। उसने ये देखा, ऑल्दो द सिचुएशन आउटसाइड इज सेम, द एप्पल इज सेम फॉर बोथ द फ्रेंड्स, येट द रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। एप्पल इज सेम फॉर बोथ, बट द रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन इज डिफरेंट।
although the roaring of lion is same, the situation outside is same, but the response, the reaction of both the people are different. दोनों का रिएक्शन अलग है. एक लायन की तरफ भाग रहा है और दूसरा लायन से डिफरेंट दिशा की तरफ भाग रहा है. यहां पर उसने ये क्वेश्चन किया, व्हाट कॉजेस दिस डिस्क्रिमिनेशन. ऐसा क्यों होता है कि जब सिचुएशन दोनों एक ही है तो भी रिएक्शंस वेरी करते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं. ऐसी क्या वजह है कि एक ही एप्पल को लटकते हुए मैं भी देखता हूं और मेरा फ्रेंड भी देखता है, लेकिन मेरा फ्रेंड रिपेल करता है और मैं अट्रैक्ट होता हूं. एक ही चीज को देखकर मुझे खुशी होती है, आई वॉन्ट टू एंजॉय द रेन, बट माई फ्रेंड वॉन्ट टू हाइड अवे इन हिज शेल. एक ही सिचुएशन आउटसाइड है बट द रिएक्शंस टू दोज सिचुएशंस आर डिफरेंट. देयरफॉर ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ दैट व्हाट कॉजेज दिस डिस्क्रिमिनेशन. ये भेदभाव आता कहां से है, ये डिफरेंसेस ऑफ रिएक्शंस आ कहां से रहे हैं. एंड हेयर ही कंक्लूडेड वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट अलोंग विथ मैन बीइंग अ फिजिकल पर्सनालिटी प्लस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी प्लस मेंटल पर्सनालिटी व्हिच इज कॉल्ड थॉट्स, मैन इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी व्हिच कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन. Which causes discrimination, जिसके कारण ये discrimination, ये differences खड़े होते हैं. एक ही situation में कोई sun को enjoy करता है, बाहर से आते हैं ना foreigners, sun tan को enjoy करने, sun को enjoy करने, और हम लोग sun में पूरा अपना sunscreen लगा कर छतरियाँ ले लेके बाहर घूमते हैं. Same situations, but people are reacting differently. What causes this discrimination? ये भेद उठता कहाँ से है? So what did early man concluded till now, see, you have to remember it, because I know what you remember, what goes inside you is what you are going to carry with you. Till now, what did the early man revealed? Man is a combination of physical personality plus, what is physical personality? This body and the, all the sense organs. Yes. What is the spiritual personality? Okay, the man is the combination of physical personality plus what is mental personality? Thoughts. What are thoughts? They are the impressions of whatever he see in the outside world. Jo kuch bhi wo bahar dekhta hai uska impression use andar dekhta hai. Again, fourth revelation, fourth evolution kya tha? Intellectual personality. Therefore, man is the combination of physical personality, body, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, सोल, स्पिरिट, एनर्जी, गॉड, परमात्मा, आत्मा, तुम जो नाम दो, वी विल फाइट ऑन इट लेटर, बट इट इज समथिंग विच इज फॉर्मलेस, उसे देखा नहीं जा सकता. कोई लोग बेवकूफी करते हैं ना, उसे देखो देखो करते हैं ना ऐसे बेवकूफी, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज फॉर्मलेस. इट इज फॉर्मलेस. मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल पर्सनैलिटी प्लस intellectual personality causes discrimination, all the differences. So very naturally next question arises of in his mind. Next question aaya, what causes this discrimination? Ye discrimination ke piche karan kya hai, what causes? Kyunki kuch to karan hai ki situation is same yet the reaction and the responses are different. But then what causes this these differences? What causes this discrimination? Kya hai wo aisa? And here came the landmark in the history of spirituality. Here came the landmark in the history of spirituality when the early man revealed the final fact, and that fact state that whatever a man perceives as pain, he is going to avoid, and whatever a man perceives as pleasure, he is going to embrace. जिंदगी में जो जो चीजें painful लगेगी उसे व्यक्ति छोड़ता जाता है, और जो चीजें pleasure आनंद वाली लगेगी, खुशी वाली लगती है, उसे वो पकड़ता जाता है, उसकी तरफ सामने से दौड़ के जाता है. बिकॉज ही स्टडीड द केस ऑफ हिज फ्रेंड who was repelled towards that apple, और उसे पता चला
कि पहली बार जब मैंने एप्पल खाया था ना तो वो मीठा था, पहली बार मैंने जब सेब खाया था ना तो इट वॉज डिलिशियस, इसलिए वो मीठे सेब के साथ मेरी इक्वेशन क्या बनी, इट इज अ प्लेजर. सो नेक्स्ट टाइम आई वेंट फॉरवर्ड टू एम्ब्रेस दैट पीस ऑफ एप्पल. लेकिन जब पहली बार मेरे फ्रेंड ने एप्पल खाया तो इट वॉज अनराइप, वो खट्टा था. मेरे फ्रेंड ने जब पहली बार एप्पल खाया वो खट्टा था, एंड व्हाट इंप्रेशन इट मेड इनटू हिज माइंड, बेकार, उसका दांत टूट गया हो, समझ लो कुछ भी हुआ हो, वो इतना ज्यादा कड़क था ना कि ही कुडंट एंजॉय. सो दैट सिचुएशन वॉज पेनफुल फॉर हिम. सो व्हाट द इक्वेशन वॉज सेट देयर, कि इट ईटिंग एन एप्पल इज अ पेन, देयरफॉर नेक्स्ट टाइम व्हेन ही सॉ दैट एप्पल ही वॉज taken away, taken back from the apple. Roaring of lion and killing a lion was a fun for him, that early man. Hunting a lion was fun because he has never encountered any danger. He has never encountered any hurt on his own self. उसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि lion का शिकार करने गया और खुद बेचारा परेशान हो गया हो, उसको खुद को ज्यादा तकलीफ हुई हो. इसलिए उसने हंटिंग ऑफ लायन के साथ क्या डाला इक्वेशन, इट्स अ प्लेजर. हंटिंग इज अ प्लेजर फॉर सो मेनी पीपल, इजंट इट, होता है ना कुछ शिकार करने में हमें लगता है क्या मजा आता होगा, लेकिन हंटिंग कैन ऑल्सो बी प्लेजर. तो इस अर्ली मैन के लिए हंटिंग वॉज अ प्लेजर, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लायन ने रोर किया तो ये भागा उस लायन की तरफ. लेकिन उसके फ्रेंड के लिए ही अंडरवेंट सम bad experience, and with the memory of that experience, that painful experience, this time when lion roared, ye aadmi piche bhaga. So this early man concluded that life is governed by two major navigators, life is governed by two major force. The inherent law of life is that whatever you perceive as pain, you are going to avoid, and whatever you perceive as pleasure, you are going to embrace. Life is not governed by what is right and what is wrong. And this is the basic problem. If your all of your life is governed with this basic law, what is right you have to embrace and what is wrong you have to avoid. Agar tumhari zindagi is जरिए से चलती होती कि जो राइट है उसकी तरफ जाओ, उसे करो, और जो रॉन्ग है उसे छोड़ दो, तो शायद आज तुम लोग हैप्पीनेस से इतने दूर ना होते. बट लाइफ इज नॉट गवर्न्ड विद राइट एंड रॉन्ग, लाइफ इज गवर्न्ड विद पेन एंड प्लेजर. व्हाट इज पेन एंड व्हाट इज प्लेजर, व्हाट एवर यू परसीव एज पेन यू आर गोइंग टू अवॉइड, एंड व्हाट एवर यू परसीव एज प्लेजर यू आर गोइंग टू. And where is this pain and pleasure? Where do you feel this pain and pleasure? Inside? It is a feeling, because I asked you, where do you feel this pain and pleasure? It is a feeling, so it is your emotional personality. So man here concluded that man is a combination, that early man concluded, man is a combination of physical personality plus spiritual personality plus mental personality called thoughts plus intellectual personality called discriminations and plus emotional personality called feelings. And in this feeling part, whatever you don't have pen, you are writing, good, you are understanding, whatever you are going to perceive as pain you are going to avoid, and whatever you are going to perceive as pleasure you are going to embrace it. Tum samne chal kar uske paas jaoge. And that's why in Mahabharat Duryodhan told to Krishna, Krishna, don't tell me what is right and what is wrong. I know what is right and what is wrong. Mujhe achhi tarah pata hai ki ye jo kuch bhi main apne bhaiyon ke saath kar raha hu ye sara galat hai, but I enjoy doing it. I enjoy doing it, and since I have labeled it ki I am in pleasure doing these wrongs, I cannot avoid it. So don't teach me what is right and wrong. Don't teach me. Go and teach this to Arjun, because I know very well ki I am doing wrong, but somewhere
I enjoy the wrong and I'm enjoying that doing wrong. Duryodhan is telling about all of us. Therefore, these Mahabharats and Ramayans are mythology. They are myths. They are not the real facts. They are myths. That is called mythology, isn't it? What is mythology? The story which is rotating around a myth. Maybe the characters were there, but the story which is revolving around these characters, they seem to be a bit myth. And therefore, here this Duryodhan is not talking about himself, but through Duryodhan, Ved Vyas is talking about all of us. That you all have this 10% of Duryodhan in you. Maybe you have 50% of Duryodhan in you. Maybe you have 20% of Duryodhan in you, that you also tell Krishna, don't tell me what is right and wrong. But I enjoy the wrong. I have labeled the pain. I have labeled the pleasure with the wrong and pain with the right. And that's why I'm not able to follow right and wrong equations. Therefore, so many of us are 10% Duryodhan. Because you also know, na, jab tum jhoot bolte ho, tumhe malum hai ki nahi tum galat bol kar rahe ho. But still, you enjoy. Because somewhere you have associated, kahin tum sach bologe aur daant padegi mummy se, isse acha jhoot bolke nikal jao easily. Therefore, you have somewhere labeled into your intellect ke jhoot bolke it is more easy to come out. You all know that eating pizza is not healthy on daily basis. Huh? Once in a week is chalta hai, bilkul chalta hai. You can have it. Once in a week, but daily basis par you all know, but still see your temptation. See your temptation towards eating this pizza and junk food and all the burgers and all the nachos and tacos. Is bar aisa kuch bhi tha. Is bar kuch shivir ki food itinerary jo aayi thi, uske andar kuch Bombay ki varieties thi, but that said no, because he has already perceived it as a pain. Naam itself hi itne nachos and tacos aur ye sab naam itself kitne daravne hai. To usne pehle hi haath khada kar diya. So you should come for food department, Meena Prabhu. Okay, you should give some beautiful names, so that the name itself give pleasure, and so that he can make it. Anyway, it is just to release you from the tension you people are in right now. But I think you are understanding, so many of us are 10% Duryodhan. Isn't it? You know what is wrong, still you do it. So many of us are 20% Duryodhan. You know what is wrong, still you do it. Because somewhere you have associated pain with doing wrong. And somewhere you have associated pleasure. Oh no, somewhere you have associated pain with doing and pleasure with doing. I think you have understood. So many of us are 50% Duryodhan. And I think so many of us are Duryodhan reincarnated. Totally, ek punarjanam Duryodhan ka ho gaya ho na, aise hi hai kuch to nahi, isn't it? Ke bilkul hume bhi malum hai ki hum 100% galat kar rahe hain, fir bhi hum karte hain. And so, I think many of us can give a shame to Duryodhan also. I think, aise bhi kuch cases to honge. So life is governed by two major forces. Whatever you perceive as pain, you are going to avoid. And whatever you perceive as pleasure, you are going to embrace. It may happen on some day that you went to see a distant relative or a relative of yours in a hospital ICU. Tum jao aur jaakar tumhe pata chale ke unhealthy lifestyle ke karan isko heart attack aaya. Aisa hi hota hai? What is the cause of heart attack? Unhealthy lifestyle, lack of walk, lack of sleep, lack of proper exercise, lack of proper nourished diet, in sab ke karan insaan ko heart attack aata hai. Otherwise your heart is set in such a way by the divine ke it should work till the end of your life. It should work till your last breath. Lekin tum logon ka jo wrong lifestyle hai na, us karan chalo, usse kahin heart attack aaya, and you went there to see, and what everybody around talks at that time? Tumhe malum hai ki galat lifestyle ke karan heart attack aaya hai, so what the relatives who are surrounded there, what should be the, or what could be the talk of that time?
टेम्पररी वैराग्य. यस, सबको लगेगा कि वी शुड गेट अप ऑन टाइम. सुबह 5 बजे उठ के योगा में जाना ही चाहिए, या 5 बजे उठ के ट्रेडमिल पे दौड़ना ही चाहिए, या ये पिज्जा एंड बर्गर्स तो एब्सोल्युटली नो नो कर देना चाहिए. बिकॉज उस टाइम पर ऐसा एक भाव आ जाता है ना, ड्यूरिंग दैट कलेक्टिव एनर्जी अफेक्ट्स योर माइंड, तो तुम्हें क्या लगता है ना कि ये सब तो छोड़ देना चाहिए. एंड वेरी स्ट्रांगली डिटर्मिंड, वेरी स्ट्रांगली सेल्फ कमिटेड, यू रिटर्न बैक होम विद योर फेस डाउन बट योर स्पिरिट्स हाई. कल से मुझे जिम में जाना है, कल से आई एम गोइंग टू गो टू जिम नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज. और सुबह 5 बजे तुम्हारा अलार्म बजेगा. सुबह जाना है तो सुबह ही जाओगे ना. सुबह 5 बजे तुम्हारा अलार्म बजेगा, बट समवेयर डीप इनसाइड योर कॉन्शियस यू हैव परसीव दिस दैट वेकिंग अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग इज अ पेन, एंड स्लीपिंग कंफर्टेबली इन द कंफर्ट ऑफ एसी रूम विथ स्पॉन्ज पिलोज इट्स अ बिग बिग प्लेजर. समवेयर है कि नहीं, सोना तो सभी को प्लेजरफुल है ही कि नहीं. So you have somewhere perceived this fact that sleep is a pleasure, and anybody who calls you up from that sleep, anybody, maybe it is yoga or gym or meditation, that is a pain. Therefore we say optional. फर्स्ट राउंड इज ऑप्शनल, क्योंकि पहले ही राउंड में तुम्हें यह दे दिया जाए कि मेडिटेशन के लिए तुम उठो. अभी तुम्हें आनंद आया कहाँ है? अभी तो हम लोग खाली आनंद की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट यू हैव नॉट येट एक्सपीरियंस्ड इट. यू हैव नहीं किया कल आनंद तुमने फील? यू हैव नॉट येट एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस? थोड़ा थोड़ा तो किया होगा कल के सेशन में. यू एंजॉयड? ओके. बट अभी मेडिटेशन के लिए ना वो पुरानी मेंटेलिटी चल रही है, मेडिटेशन बिग बिग पेन. देयरफॉर इट इज ऑप्शनल इन द फर्स्ट राउंड, बट देन वी नो द वे हाउ टू गेट यू इन द मेडिटेशन, सो डोंट वरी. So, what was the evolution, spiritual evolution of early man? Let's do it for the final time. I think you must have done, you must be done with it. Man is a combination of called body plus called soul, atma, energy, kuch bhi kaho, jo whatever you want to say, plus called thoughts are the impressions of whatever you see in the outer world, plus what does it cause? Discrimination. And finally emotional personality. And life is governed by these emotions of pain and pleasure, not the understanding of right and wrong. Your materialistic world keep on giving you the understanding of right and wrong. Right and wrong tumhe bachpan se sikhaya jata hai. किसी को सिखाया जाता है कि बचपन से झूठ बोलो, गुस्सा करो? किसी को सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता. लेकिन बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है, स्टिल दैट मेटीरियलिस्टिक नॉलेज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज सेट वे अपार्ट इन फ्रंट ऑफ योर एक्सपीरियंशियल नॉलेज ऑफ पेन एंड प्लेजर. तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? इट इज पेनफुल to speak truth right now. It is painful. मेरी ईगो का क्या होगा? क्या कहते हैं ये? बैंड बज जाएगा. What अजय से? मेरी ईगो का तो बैंड बज जाएगा. ऐसा ऐसा होता है ना. सो ईगो का बैंड बजना इज पेनफुल फॉर यू, देयरफॉर यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक अ ट्रुथ. इजंट इट? कैन यू गेट इट? आर यू विद मी? यू वॉन्ट अ टी ब्रेक? नो 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 नो. ओके. सो मैन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं बार बार भूल जाती हूँ, फिजिकल पर्सनैलिटी प्लस 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 प्लस. वेयर आर यू अपसेट? ऑन विच लेवल? तुम कभी अपसेट होते हो तो डू यू गेट अपसेट ऑन फिजिकल लेवल? कैन यू गेट अपसेट ऑन स्पिरिचुअल लेवल? तुम्हारी आत्मा दुखी हो गई, ऐसा भी लोग बोलते हैं ना. आत्मा दुखी, आत्मा कभी दुखी होती नहीं. अरे इट इज फॉर्मलेस, लेट इट एंजॉय इट. तो तुम कहां, किस लेवल पर अपसेट होने की संभावना है? ओ सो यू पीपल आर सो स्मार्ट. अभी तो मैं धीरे धीरे आ रही थी उस बात पे, फिर भी मैं याद करके आई हूं, तो तुम सुन तो लो पूरा. मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सच एंड सच थिंग. सो वेयर दिस अपसेट, स्टेट ऑफ अपसेटिंग इज पॉसिबल, फिजिकल पर्सनैलिटी पे नॉट पॉसिबल, इमोशनल पे, स्पिरिचुअल पे
नहीं हो सकता. थर्ड वॉज मेंटल, वो तो क्या इंप्रेशंस है, दे आर जस्ट द इम्प्रेशंस, दे आर जस्ट द थॉट्स एंड दे आर द इफेक्ट्स नॉट द कॉज इटसेल्फ. इसलिए कॉज को बदलना होगा, वो दैट चैप्टर विल कम लेटर. फोर्थ डिस्क्रिमिनेशन इंटेलेक्ट एंड फिफ्थ इमोशनल. सो ऑन वॉट लेवल यू गेट अपसेट, इमोशनल लेवल. इमोशनल लेवल हैज टू एस्पेक्ट्स, वन ऑफ पेन एंड अनदर ऑफ लाइफ इज नॉट गवर्न्ड बाय राइट एंड रॉन्ग, इट इज गवर्न्ड. अगर राइट एंड रॉन्ग गवर्न कर रही होती तुम्हारी जिंदगियों को तो तुम लोग भी एनलाइटेंड सोल्स होते. बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एन एनलाइटेंड मास्टर, तुम दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, बस इतना ही है कि देयर लाइफ इज गवर्न्ड बाय राइट एंड रॉन्ग. They have associated pleasure with right and they have associated pain with wrong and therefore leaving the wrong is not a difficult for them. Chahe 10 saalon se jude ho, but the moment they understand this is wrong, Sanjeev Prabhu, they leave it. Because life is governed for the spiritual masters through two basic factors, right and wrong, not pain and pleasure. But your life is governed by pain and pleasure. And so, with this understanding in your mind, we step into third chapter of anger management retreat, and we will proceed here with a new transformed person in you. I think your intellectual level must have increased by now, isn't it? तुम लोगों का IQ थोड़ा तो ऊंचा हुआ होगा कि नहीं? तुम कहोगे इतना tough tough तो कभी school में भी नहीं पढ़ाया, but that is the problem, नहीं पढ़ाया इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है. But once you will understand how to live life through rights and wrongs, then the pains and pleasure will automatically come into their way. Chapter 3. Because before I make you understand this chapter 3, I have to come through all this process. ये पेन और प्लेजर, इन दो चीजों को समझाने के लिए, एंड ऑन व्हाट लेवल यू पीपल बिकम अपसेट, नाइदर ऑन फिजिकल नॉर ऑन स्पिरिचुअल नॉर ऑन मेंटल नॉर ऑन इंटेलेक्चुअल, तुम्हारा सारा अपसेट होने का, दुखी होने का, मिजरेबल होने का सारा फंक्शनिंग हैंडल कौन कर रहा है? ओनली इमोशनल लेवल. और इमोशनल लेवल इज गवर्न बाय पेन एंड प्लेजर. जिसमें तुम्हें मजा आया दैट इज प्लेजर, जिसमें तुम्हें सजा लगी दैट इज पेन. बस एंगर के इस चैप्टर को समझाने के लिए तुम्हें इस तथ्य के साथ आगे बढ़ना होगा. व्हाट आर द मोड्स ऑफ एंगर, चैप्टर 3. एंगर कैन ब्रॉडली ट्रेवल थ्रू टू मोड्स ऑफ एक्सप्रेशंस, नेमली एग्रेसिव एंगर एंड पैसिव एंगर. एग्रेसिव एंगर मींस बोल्ड अटैक. इट इज अ टाइप ऑफ एंगर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड, स्पीच और एक्शंस. Passive anger, it is a type of anger which although not directly expressed, but it is in the suppressed form. दो होते हैं ना forms of anger. Aggressive एक तो है bold attack, जो भी है सामने सामने बोल दिया, जैसे कि तैसी, जो है बोल दिया, काम अपना निपटा दिया. और दूसरा है passive anger, बोलेगा कुछ नहीं लेकिन जागता है रात भर और रोता रहता है. कौन है वो? वो है, सो यू ऑल नो ना, तुम्हें पैराडी वेराडी कुछ याद नहीं होता तुम लोगों को, एक बार में कहां से हो सकता है. बोल्ड एंगर मींस चिल्लाना, शाउट करना, भी देखते हैं हम आगे क्या है. बट मेजरली ये दोनों एस्पेक्ट्स तुम्हारी पर्सनालिटी में पड़े हैं. एग्रेसिव एंगर इज ऑल्सो देयर इन योर पर्सनैलिटी एंड पैसिव एंगर, दबा हुआ सप्रेस्ड एंगर इज ऑल्सो इन योर पर्सनैलिटी. वी कैन क्लासिफाई आर एंगर एक्सप्रेशन एंड सप्रेशन. एंगर को एक्सप्रेस करना बाहर या उन्हें सप्रेस करना अंदर. प्लीज टिक ऑन द टाइप्स यू हैव एवर अंडरगॉन. नीचे चेक बॉक्सेस हैं. स्टार्ट विद एग्रेसिव एंगर, शाउटिंग. गुस्से में अखिलेश तुम भी चिल्लाते हो, ओह ग्रेट, इट्स सो नाइस टू सी योर ऑनेस्टी लेवल. शाउटिंग, और अभी फेसबुक पे एक वो घूम रही थी, एक फ्लोट कर रही थी, पता नहीं शायद ग्रीष्मा ने मुझे डाली थी एक स्टोरी कि व्हाई पीपल शाउट इन एंगर, डाला था ना किसी ने, समबडी, कहाँ है ग्रीष्मा, हाँ यू सेड इट टू मी, व्हाई पीपल शाउट इन एंगर. एंड शी ड्रॉप्ड इन अ वंडरफुल स्टोरी
कि एक बार एक नदी के किनारे पर, वो ऐसा ना थोड़ा थोड़ा मैं अपना भी डालती हूँ उसमें, नदी के किनारे पर कुछ लोग, फैमिली के ही लोग थे, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे. दे वर फाइटिंग एंड दे वर शाउटिंग एंड दे वर स्पीकिंग एट द हेल्म ऑफ देयर वॉइस. जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे. अ मास्टर एंड अ डिसाइपल वर गोइंग अक्रॉस दैट रिवर एंड सडनली व्हेन दे सॉ ऑल दिस सीन द डिसाइपल आस्क्ड द मास्टर It seems these people are angry. And the master said, yes, it seems they are angry. And the disciple came up with another question, but master, I don't understand one thing, that why these people are shouting on the helm of their voice, why they are shouting so loud when they are standing so near to each other. Ye log itni paas paas khade hain, fir bhi chilla kar kyun bol rahe hain? So the master said, because they are angry, so they are shouting. So the disciple asked again, but master, why they need to shout? And the master gave a wonderful reply there. Dear disciple, you know what happens? That in the state of anger, your heart goes away. And when your heart goes away, you have to shout in order to communicate. You have to shout, you have to speak loudly in order to communicate with that person. And therefore, people knowingly or unknowingly, willingly or unwillingly, they start shouting in anger. So have you ever undergone this faculty of yours? You start shouting. Always remember that on whomsoever you are shouting, basically what may be the cause of your anger, that is a secondary thing. But your hearts have dragged apart. First try to bring the hearts closer and then try to settle down the situation. And what you do? You first want to settle down the situation when the other person is miles away from you. Situation can be settled. Is it possible? No. So you undergo shouting. Shouting? Hota hai Bhavesh kabhi? Hamesha hi hota rehta hoga, nahi? Din mein ekad, on an average, tum log likhna chaho to likh sakte ho. Ekad bar. Annoyed. Disturbed. Mujhe mat bulao abhi. Disturbed. I'm disturbed. Aisa hota hai kabhi? अभी बात मत करो. अरे इतनी इंपॉर्टेंट बात है, अभी बात मत करो. ऐसे डिस्टर्बेंस वाली होता है तुम्हारे लोगों में ऐसा कभी? दिस इज एंगर. अभी तक तुम्हें तो लग रहा था एंगर मतलब गुस्सा करना खाली. अब तुम देखोगे एंगर कितने कितने रूप लेकर आता है. इरिटेशन, चिड़चिड़ हर बात में. गौतम प्रभु चिड़चिड़ी करते रहते हैं. यू पीपल मस्ट बी सेइंग टुडे, बट आफ्टर द एंड of the shivir, you people will be in gratitude for this person who has arranged so much for you all to collect so much of information and transformation and go away from here. But right now, tumhe lagega har cheez mein chik chik hai is aadmi ki. But it is just for your all's good. Aaj tumhe shayad nahi lag raha, but if you are totally attentive into this retreat, so by the time the retreat is over, you will be the person who will be in total gratification for that person, for that chid-chid. Tum us chid-chid ke liye bhi unke liye thankful ho jaoge. So irritation hota hai tumhe? Hota hai, abhi to hoga, do din inke liye bahut hoga. Tick, inhi ko dekh ke tick kar dena. Violent, uncontrolled, strong, matlab tumhare haath paon kaabu mein na rahe. Aisa bhi hota hai kabhi tum logon ke saath? होता है. गुस्से में इंसान दरवाजा जितनी जोर से बंद कर सकता है और गुस्से में पानी का ग्लास जितनी जोर से रख सकता है. इट इज अ वायलेंट एंगर. तुम्हारे हाथ पांव जरा ज्यादा ही तेज चलते हैं, इजंट इट? यू कैन स्लैम अ डोर मोर टाइटली. फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एंगर. सी ये एंगर कहां कहां से, ये गाते हैं ना, कैसे चले कहो क्रोध के पार. तुम चलोगे, उसकी हड़बड़ी मत करो, पहले जानो तो सही क्रोध है क्या. सो शाउटिंग इज अ फॉर्म ऑफ एंगर. डिस्टर्ब होना, एनॉइड होना इज अ फॉर्म ऑफ एंगर. चिड़चिड़ा रहना इज अ फॉर्म ऑफ एंगर. तुम्हारे हाथ पांव का जोर से पटकना इज अ फॉर्म ऑफ एंगर. फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, दैट इज फ्रस्ट्रेशन. आई एम फ्रस्ट्रेटेड टूडे. जहां जहां जिस वेबसाइट को सर्व करो हर कोई स्टक आती है. होता है ना, तुम लोग तो, तुम्हारा तो अब यूनियन ही किसके साथ है, खाली तुम और तुम्हारा पीसी बस, या तुम और तुम्हारा लैपटॉप, जो भी हो. अब तुम्हारा, तुम्हारी तो दुनिया इतनी छोटी है, लेकिन वो छोटी सी दुनिया भी तुम्हें कितनी जल्दी डिस्टर्ब कर जाती है, बिकॉज एक वेबसाइट ना, अगर वेबसाइट छोड़ो,
थोड़ा उसकी भी स्पीड लो हो ना, नेट क्या बोलते हैं, हाँ डेटा, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड भी अगर तुम्हारी स्लो हो जाए तो यू पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू पीपल ड्रिंक टू ग्लासेस ऑफ वाटर एंड कम बैक अगेन टू नो दैट द स्पीड हैज बीन डिक्लाइंड नाउ. अभी तक तो खाली स्लो थी बट नाउ द कनेक्शन हैज बीन डिक्लाइंड. सो देन व्हाट डू? यू क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म कम्स. अब हु इज हियरिंग योर क्रिटिसिज्म बाय द वे यू टेल मी? जब ये नेट की स्पीड सर्वर डाउन हो जाता है और तुम चिल्लाते हो, जैसे पार्थ का सर्वर डाउन था एयरटेल का, तो काफी दिनों तक चिल्लाता रहा बट हु इज लिसनिंग? या तो उसको कॉन्जिक्यूट, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कस्टमर केयर को तुम फोन करके बात करो तो फिर भी ठीक है, लेकिन घर में चिड़चिड़ चिड़चिड़ बड़बड़ बढ़ करके फायदा क्या है? हु इज लिसनिंग टू योर कंप्लेन एंड आर यू गोइंग टू अटेन एनी सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़? नो, स्टिल यू डू. दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एंगर. काम वाली आई नहीं, आई नहीं, स्पेसिफिक फीमेल प्रॉब्लम्स होती है ना, काम वाली आई नहीं, आई नहीं. क्रिटिसिज्म मीन्स फॉल्ट फाइंडिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के फॉल्ट ही निकालना. काम वाली 28 दिन आती है ना, कोई थैंक यू कहते हैं उसे, लेकिन वो दो दिन नहीं आती ना, उसके लिए लॉट ऑफ क्या होता है, कैलेंडर में नोट होता है, बकायदा तनख्वाह कटती है, नेक्स्ट डे आती है, चिक चिक होते है. पर मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जब तुमने चिक चिक कर ली, जब तुमने पहले दिन भी चिक चिक कर ली, आई उससे झगड़ा भी कर लिया, फिर अभी तनख्वाह काटने की बात कहाँ आई? या अगर तुम्हें तनख्वाह काट के सुकून मिल रहा था तो चिड़चिड़ क्यों करी इतनी, इतना बोल के अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट किया? बट देन दिस एंगर, बस क्या क्या गाया तुम लोगों ने, है जैसे कोई पागलपन. बस कोई ऐसा पागलपन आ जाता है ना जिसे तुम लोग खुद भी समझ नहीं पाते. कर्स, कर्स, व्हाट इज कर्स? एक्सप्रेशन ऑफ मिसफॉर्च्यून. इसका तो बुरा ऐसा हो एयरटेल वालों का. एंड एयरटेल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. जितने भी तुम्हारे वोडाफोन शोडाफोन से, एयरटेल इज द बेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी और उसकी स्पीड वगैरह बेस्ट है, लेकिन फिर भी तुम यहां बैठे बैठे मुनियों की तरह, ऋषि मुनियों की तरह, जैसे वो श्राप दिया करते थे ना, तुम यहां बैठे बैठे श्राप देते हो. कर्स मीन्स श्राप देते हो. उनका तो ऐसा हो, अरे व्हाई डोंट यू चेंज द नेटवर्क, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग. टेंट्रम, टेंट्रम्स यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ, सडन आउटबर्स्ट ऑफ इल टेम्पर. अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, अभी तक सब कुछ, एवरीथिंग वाज, आज तो सुबह क्या ध्यान हुआ, केयूर भाई तो वहां बैठ के भी ध्यान कर रहे थे, यहां मिस हुआ था कि यहां पे भी किया था, ओके तो इतना लंबा ध्यान चला आज, वेरी गुड. हाँ नीचे मैंने देखा देखा बिल्कुल, बिकॉज दिस टाइम नित्यक्रम वाला ध्यान, हाँ ही वॉन्ट सेकेंड अपग्रेडेशन, आई नो दैट, आई रिमेंबर एवरीथिंग. सो ही वॉन्ट टू अपग्रेड हिमसेल्फ फॉर द सेकेंड लेवल ऑफ मेडिटेशन एंड दैट्स वाई ही सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी, बट स्टिल आई लाइक यू, स्टिल आई लाइक यू. टेंट्रम, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा मेडिटेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया हुआ है, और अचानक अचानक तुम कमरे में जाओ और तुम्हारे नहाने के टाइम पे कोई दूसरा चला गया हो, सडन आज ही ऐसा हुआ लगता है, दीज गर्ल्स आर लाफिंग, आज ही ऐसा हुआ लगता है कोई तुम्हारे टाइम पर चला जाए तो सडन, अरे अभी तो तुम इतने इतने एलिवेटेड फॉर्म में नीचे उतर रहे थे, अभी तो तुम इतने खुश थे, सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, सडन, सडनली तुम्हें क्या हो गया? व्हाई कांट यू कंट्रोल योर रिएक्शन? व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्स? व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन अ रूम इज शेयर्ड बाय 4 or 5 पीपल, दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन, व्हाई डोंट यू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड टेक अ बाथ? सो कितने कितने ऑन एन एवरेज 8 में से एकाध तो है ना सब में? कितने हैं? ओ तुम लोग कर्स भी देते हो किसी को? तो पैसिव एंगर करें कि एग्रेसिव में ही बहुत हो गया, आज का पेट भर गया पैसिव? हाँ, बिकॉज आइसबर्ग 9% अंदर होता है, 1% ही बाहर होता है, कहते हैं ना ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग इज सीन आउटसाइड, 8% ऑफ आइसबर्ग या 9% ऑफ आइसबर्ग इज इनसाइड, और उसी लिए बेचारा टाइटैनिक डूब गया.
और टाइटैनिक डूबा तो डूबा, मैं तो अभी कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि कोई 100 ईयर्स हुए हैं टाइटैनिक के डूबने को और पीपल आर सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स. कोई जहाज डूब जाए और उसे तुम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो? एंड इन दैट सेलिब्रेशन टाइटैनिक इज रिलीज्ड इन 3D. डोंट यू नो दैट? देखा कि नहीं टाइटैनिक 3D में तुम लोगों ने? नहीं देखा? कलकत्ता में नहीं आया? कम काका के घर आओ, दिखाएंगे तुम्हें. आ चुका है ना? दैट्स इट. यू नो इट इज व्हाई दिस मूवी हैज बीन री रिलीज्ड, बिकॉज इट वॉज इन आवर टाइम्स. लेकिन 20 साल बाद इसे वापस री रिलीज किया इन ऑनर ऑफ सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ दैट सिंकिंग ऑफ दैट टाइटैनिक. गॉड नोज वेयर दिस वर्ल्ड इज गोइंग. पैसिव एंगर, ज्यादा तो तुमने यही पढ़ा है, ये बता दूं मैं तुम्हें. क्राइम, सॉबिंग नहीं है, क्राइंग है. क्राइम, रोते हो तुम लोग कभी? नो. बैक बाइटिंग, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एंगर. किसी के बारे में हिम्मत नहीं है उसके सामने बोलने की, सो एवरीबडी इज टॉकिंग इन द रूम कि ये क्या है, क्यों हमें चैन से या सोने भी नहीं देते? सुबह का योगा कंपलसरी करा दिया. मेडिटेशन तो प्रभु की कृपा है कि उन्होंने ऑप्शनल रखवाया है हमें, बिकॉज दे नो वेरी क्लियरली कि पेन एंड प्लेजर का फंडा. अब इन्होंने, इनको तो आज अभी रिवील हुआ, लेकिन यू जस्ट गो बाय योर वेज, डोंट वरी. बैक बाइटिंग तुम लोगों का अगर रूम में जाके चलता है, कौन सा फ्लोर दे दिया हमें, कौन सा रूम दे दिया, 20-20 सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे उतरना पड़ता है, किसी को 40 भी उतरना पड़ता है. अच्छा तुमने गिना भी? सारा बदला लिया जाएगा तुमसे. वेरी गुड. बट इफ यू गेट इरिटेटेड इन दिस, आई थिंक यू शुड, इन फैक्ट कैन यू चेंज एनीथिंग? तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई है कि वो कुछ भी टस से मस नहीं होने वाला. दे दिया तो दे दिया, फरमान निकल गया, बस बात खत्म, कुछ नहीं चेंज होने वाला. चेंज कहाँ हो सकता है? यू स्टार्ट 10 मिनट्स अर्ली फ्रॉम योर रूम. यस, ब्रेथलेसनेस कम्स, इट हैपन्स. मैं थोड़ा भी नीचे आती हूँ तो ऊपर आते आते मैं भी हाफ जाती हूँ. इट इज़ नॉट अ बिग थिंग. एंड वेन यू आर ऑन सच अ हाइट, तुम ऑलरेडी काफ़ी ऊंची हाइट पर हो, तुम्हें मालूम है ना मसूर इज ऑलरेडी समथिंग 3,000 फीट अबव. ओ सॉरी सर, 6,000 फीट अबव सी लेवल. 6,000 फीट ऑलरेडी तुम ऊँचे हो, उसमें माउंटेन्स पर तुम लोग क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम आराम से क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन करोगे? नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बी श्योर. मुझे तो कल किसी ने पूछा कि लास्ट शिविर इतनी बढ़िया जगह थी नैनीताल का, सीधा सीधा ग्राउंड, सामने खुली खुला सा लेक, और क्या क्या दिन थे वो हमारे. अब ये इस टाइम पे ये तुम लोगों ने जगह ढूंढी, ऑल ब्लेम गोज टू हिम. एंड इफ यू फील इट इज गुड, देन ऑल ग्रेटिट्यूड गोज टू देम. इन बोथ केसेस इट्स जस्ट अ फन. कहते इस शिविर में तुम लोग कहाँ पहाड़ियों पे ले आए हो? पिछली बार तो कितना अच्छा था, इट वॉज सो नाइसली मेंटेन एंड इट वॉज सच अ वंडरफुल लेक इन फ्रंट ऑफ रिसॉर्ट, और इनफैक्ट द रिसॉर्ट वॉज इन द लेक. हमें कभी क्लियर ही नहीं हुआ कि रिसॉर्ट में लेक था कि लेक में रिसॉर्ट था, बट वट एवर इट वॉज दिस टाइम पहाड़ियों में. बट दे हैड अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, तो नेक्स्ट ईयर क्या ऊपर जाओगे स्पेस में? एंड ही इज अनप्रडिक्टेबल, यू नो दैट. ही कैन अरेंज अ शिविर 30,000 फीट्स अवे. When he can manage so many people arranging for a day to take them to Kolkata Kendra and coming back from Kolkata Kendra for a single sthapna, he can, I think, arrange a shivir 30,000 feet away. Is it possible? But, oh, so this is for what? Are you ready for that 30,000? Because वहाँ तो oxygen mask लेकर आला, वहाँ तो you have to come with ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर अपने भर भर के लाना, फिर वहां पे कंप्लेन करोगे. यहां पे तो 10 मिनट जल्दी शुरू करके पहुंच जाओगे, लेकिन वहां कंप्लेन करोगे तो सीधे और ऊपर जाओगे. ड्रॉप दिस एटीट्यूड ऑफ कंप्लेनिंग, सी व्हाट्स गुड इन इट. तुम 10 मिनट अपने कमरे से जल्दी शुरू करो ना, यू आर हेयर इन टाइम, और तुम्हारी ब्रेथलेसनेस वगैरह सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, इट विल बी गॉन अवे. बैक बाइटिंग, तुम्हें जितना करना है करना. सौरो,
sorrow is also a form of anger. Grief, एकदम दुख में चले जाना, दुखी हो जाना, इस friend ने मुझे धोखा दिया. And most of the time, what people say is, इसने मुझे दुख दिया. I just don't understand how दुख is given to you. एक बार एक lady आई थी मेरे पास and she asked me कि प्रभु मुझे बताओ, I am really disappointed, frustrated और जो जो words इसमें लिखे हैं सारे ही almost उसने use किए. I am really done with this life. इन्हें कहा हुआ क्या पर? मतलब मैं बहुत परेशान हूँ. उसने कहा माई हस्बैंड इज गिविंग मी सो मच ऑफ पेन. आई वॉज इन सम लाइट मूड तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया पेन मतलब, क्योंकि अपने परसेप्शन में तो ये है कि पेन कभी कोई किसी को दे नहीं सकता, नोबडी कैन गिव यू पेन. और फिर अब ये लेडी आके मुझे पूछती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत पेन देता है. आई सडनली बर्स्टेड अ जोक, हाउ डू यू ही गिव्स इट टू यू? He gift wrap it. He gives in polythene bag. He gives in a tray. He gives how can anyone give you pain? Pain is something you can take, but nobody can give you pain. Somebody can hurt you, but he cannot give you pain. Pain is something very different. तो फिर भी अब वो आई थी तो मुझे बात तो करनी पड़ती है. तो बोली कि no, but you don't know my husband. How he is. क्या होता है बोलो, हाउ ही डिलीवर्स दिस प्रेशियस कॉमोडिटी कॉल्ड पेन टू यू? अरे आपको मालूम नहीं है, कभी भी घर पे गेस्ट आए होते हैं ना, खूब सारे गेस्ट, उन गेस्ट के बीच में ही कॉल्स मी बेवकूफ, ही कॉल्स मी फुलिश, ही कॉल्स मी स्टूपिड, ही कॉल्स मी तुम्हें अक्कल नहीं है. ओके सो व्हाट? तो कहते हो इट इज सो मच पेनफुल फॉर मी. हाउ, वेयर इज द पेन? ही इज सेइंग समथिंग, बट इसमें पेन कहाँ है? मुझे तो समझ ही नहीं आई बात. समवेयर इट द सिचुएशन डिडंट सेट इन मी. लेकिन फिर अब उसकी हालत ऐसी थी ना, तो आई सेटल डाउन फॉर सम, आई कॉम्प्रोमाइज फॉर सम टॉक विद हर. तो मैंने कहा ओके टेल मी वन थिंग, इफ सम फाइन डे द कलेक्शन ऑफ पीपल इज देयर ऑन योर इन योर हाउस एंड इन दैट कलेक्शन इन दैट गैदरिंग योर हस्बैंड सडनली एज इट टेल्स यू फुलिश बेवकूफ, सडनली योर हस्बैंड टेल्स यू एरोप्लेन, what will you say? She said, see, you are teasing me now. मैंने कहा no, I'm not teasing you. I am just trying to make you understand one thing, कि जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम एरोप्लेन हो तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता. Why? Because you know you are not aeroplane. You know it so clearly, you are not aeroplane. कोई तुम्हें आके बोलता है कि तुम गाड़ी हो तो तुम्हें बुरा लग जाता है क्या? तुम क्या सोचोगे? हाउ फूल इज ही, डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ कार एंड अ ह्यूमन बींग. तुम क्या कहोगे? यू विल लाफ ओवर दैट सिचुएशन एंड यू विल वॉक अवे, इजंट इट? लेकिन जब कोई तुम्हें फूल कहता है ना, तब तुम्हें दुख होता है, बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड यू थिंक कि मेरा इतने टाइम से छुपाया हुआ सीक्रेट अचानक लीक कैसे हो गया? इजंट इट? इजंट इट? कोई तुम्हें गुस्सा वाला कहता है, अभी तो पूरी शिविर गुस्से पे है, फ्रीडम फ्रॉम फायर, तुम्हें लगता है कि इतने लोगों के बीच में मैं गुस्से वाली हूं ये बताकर ही हैज ओपन द सीक्रेट एंड द कॉज ऑफ एंगर इज ओनली दिस. बिकॉज व्हेन यू बिलीव दैट यू आर नॉट एरोप्लेन, यू बिलीव यू आर नॉट अ कार, यू डोंट गो इन पेन. So what if he calls it for 1,000 times? हजार बार बोले ना तो भी तुम पेन में जाओगे. You will go in laugh, in fact. You will go in laugh. You will enjoy that situation. But if somebody calls you foolish and you know yourself that you are a bit foolish, when somebody calls you angry, आज तुम गुस्से में क्यों हो? जरा कोई गुस्से वाले इंसान से पूछो, आज तुम गुस्से में क्यों हो? मनीष जी, मुक्ता पूछे घर जाके किसी दिन, आज मनीष जी आप इतने गुस्से में क्यों? कहाँ हूँ गुस्से में मैं? कहाँ है मुक्ता? ओके ओके, कहाँ? ऐसे ही आएगा ना आंसर, जब हम गुस्से में होते. या उल्टा भी हो सकता है, तुम घर जाओ और वो नॉर्मल स्माइल वाला फेस ना मिले तो तुमको आज क्या बात है मुक्ता, यू आर इन सम टेंशन. कहाँ है टेंशन? अरे इट शोज ऑन योर फेस लेडी. बट व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट द सिचुएशन, when you want your secret to be in only, at that time you go in pain. So that early man, chalo back to him, what was his spiritual revelations? Man is a combination of
फिजिकल पर्सनालिटी, वेयर द पेन इज इमोशनल पर्सनालिटी. पेन कहाँ है, प्लेजर कहाँ है? अभी तो तुम कहोगे कहीं नहीं दिख रहा. सीढ़ियाँ उतरने का डर, सेशंस में टाइम पर आने का डर, खाने में क्या मिलेगा, उसका अननोन का फियर भी तो होता है ना, फियर ऑफ अननोन, कैसा खाना मिले, क्या मिले. और फिर वो तो है ही, ऊपर से तुम लोग कोई गलती कर दो रात को 9 बजे जाके या 10 बजे ऑर्डर करो रेस्टोरेंट में और देखो तुम्हारी क्या खट बजाते हैं. इट मे हैपन, बट आई थिंक अभी तुम्हें थोड़ा कंपैशनेट हो जाना चाहिए. सो वेयर द पेन इज, द अर्ली मैन अंडरस्टूड दिस थिंग दैट द पेन इज ऑन इमोशनल लेवल एंड ही गेव टू लॉज ऑफ लाइफ. ही इंटरप्रेटेड टू लॉज ऑफ लाइफ फ्रॉम देयर इटसेल्फ दैट द लाइफ इज गवर्न बाय पेन एंड प्लेजर. लॉ नंबर वन, द लाइफ इज गवर्न बाय नॉट बाय राइट एंड रॉन्ग बट बाय पेन एंड प्लेजर. एंड नंबर टू, नो बडी कैन गिव दिस पेन टू अस, ओनली यू कैन रिसीव द पेन. इट इज योर साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी सिचुएशन. वॉट विकिपीडिया सेज इट इज एंगर इज जस्ट योर साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी सिचुएशन फॉर विच यू फील यू आर ऑफेंडेड एंड यू वॉन्ट टू रिटेलिएट फॉर दैट ऑफेंस. So that early man gave two laws of life here. He gave several. Right now we will discuss only two. That life is governed by two major navigators and they are pain and pleasure. And number two, this pain or this pleasure cannot be given. It is taken. It is created inside. तुम लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक की बात? So this shouting is painful or very pleasurable out. कम अगेन ऑन दिस एग्रेसिव एंगर. ये शाउटिंग बड़ी पेनफुल है कि बड़ा प्लीजिंग इवेंट है? पेनफुल. एनॉइड होना पेनफुल तुम्हारे लिए भी, हाँ दूसरों के लिए नहीं. वॉट एवर यू टॉक अबाउट योर सेल्फ ओनली. तुम जब अनॉइड होते हो तो तुम बड़े मस्ती में बल्ले बल्ले करते हो, इज इट? तुम लोग जब चिल्ला रहे होते हो तो तुम गरबा डांडिया करते हो, इज इट? नॉट पॉसिबल. वेन यू आर वॉयलेंट विद एंगर, वेन यू आर वॉयलेंट विद एंगर, तुम क्या करते हो? आराम से मेडिटेशन करते हो, आराम से? नॉट पॉसिबल. तो ये जितनी भी फीलिंग्स है, शाउटिंग, अनॉइड, इरिटेशन, वायलेंट, फ्रस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म, कर्स, टेंट्रम, ऑल दीज फीलिंग्स बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ पेन एंड योर लाइफ इज गवर्न बाय दिस पेन एंड दिस पेन इज योर ओन. This pain is your own child. इसको तुमने born किया है. This pain is not given by someone outside. Outside people have created a situation of telling you a fool. But then it's your choice whether you take it or not. So the pain has been given. Maybe it has been, so the situation has been arised in such a way that you are not very comfortable in it, but it is only you who take, who derive that pain from the situation. Ek hi situation mein wahi rain jab aati hai to somebody jitters, somebody dances and somebody curses megh devta ko. Hota hai na, badal raja ko curse karte hain, nothing is going to happen. Either you accept it or you just go into pain. Passive anger, crying is painful or very pleasing experience? Pain. Backbiting? Pain. क्यों उसमें मजा नहीं आता? मैंने तो सीरियल्स में देखा है बड़ा मजा आता है इन लेडीज को backbiting करने में. नहीं आता क्यों? Because somewhere in your conscious, तुम सही कह रही हो नम्रता, मजा नहीं आता बिकॉज समवेयर इन योर कॉन्शियस यू नो जो भी तुम बोल रही हो एग्जाजरेटेड वर्जन बोल रही हो, isn't it? जब भी तुम बैकबाइटिंग करते हो, पीठ पीछे किसी के कुछ बोलते हो, तो तुम्हें भी पता है कि जितना हुआ था उससे ज्यादा तुम बोल रहे हो. मतलब तुम कहीं झूठ बोल रहे हो, कहीं तुम अपना एडिड स्पाइसेस, एडिड मसाले तुम डाल के बोल रहे हो, और किसी दिन तुम्हारा वो झूठ पकड़ा गया तो ये पेन, इस अननोन फियर के पेन से वॉट हैपन्स राइट नाउ ऑल्सो यू आर इन पेन.
इवन ऑल्दो ऑन द सुपरफिशियल लेवल यू मे फील के बैक बाइटिंग में बड़ा मजा आता है, बट फ्रॉम द इनसाइड लेवल यू नो कि कहीं किसी दिन तुम समझो ना, दो फ्रेंड्स आपस में बैक बाइटिंग कर रही हो लेकिन तुम्हारा उसी के साथ झगड़ा हो गया, सारी पोल खुल जाएगी, सारा कुछ ऐसा होता है ना, तुम दो बहुत बहुत इंटेंसली सब कुछ शेयर कर रहे हो लेकिन कहीं तुम दोनों में कोई एक रिफ्ट आ गई एंड यू आर ड्रिफ्टेड अपार्ट, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फो, योर बेस्ट द बिगेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन वही बन जाएगी. देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इवन व्हाइल बैक बाइटिंग, इफ यू आर रिलीजिंग योर एंगर देन इट्स गुड, बट इफ यू आर इंक्रीजिंग योर एंगर, इंक्रीजिंग योर फियर, इंक्रीजिंग योर इनसिक्योरिटी, आई थिंक इट्स नॉट जस्टिफाइड. सॉरो, ग्रीफ, इज इट अ पेनफुल फीलिंग और अ वेरी प्लीजिंग फीलिंग? रिवेंज, क्योंकि जब तक तुम बदला ना ले लो तुम शांति, हाँ शांति मिलती कहाँ है, जब तक तुम बदला ना ले लो तुम शांति से बैठोगे क्या? तो अशांति से बैठना इटसेल्फ मींस इट इज अ पेन. कि उल्टा आजकल बच्चों को शांति से बैठना इज अ पेन, आजकल तो ऐसा है ना कि तुम्हें शांति से बैठना बड़ा पेनफुल लगता है. सेल्फ ब्लेम, अभी हमने ये सब तो किया ही नहीं. सेल्फ ब्लेम होता है ना, कई बार कुछ लोग होते हैं सारा कसूर मेरा ही है, मेरे कर्म ही खराब है, मैं ऐसे घर में जन्मी ही क्यों हूं, मेरे आसपास के लोग ही ऐसे हैं, मतलब सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेना बार बार हर बात में, मैं, मेरी किस्मत, फूटी किस्मत, सिली हुई किस्मत, एनी वे यू वॉन्ट टू से इट, लेकिन सेल्फ ब्लेम हर बार अपने ऊपर ही ब्लेम ले लेके रोते रहना, चिढ़ते रहना, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पैसिव एंगर. इल ह्यूमर, ये भी तो होता है कि नहीं, इल ह्यूमर, किसी की मजाक में भी तुम जान मुझ के खराब बोलते हो. मैं कई बार कहती हूँ तुम मजाक में अच्छा क्यों नहीं बोल पाते किसी का, लेकिन तुम मजाक में उसे टीज कर देते हो, हंस रहे ऊपर से, बट यू आर प्रेजेंटिंग अ इल ह्यूमर फॉर दैट पर्सन. कुछ गलत गंदा कमेंट, टॉन्टिंग जिसे कहा जाता है, ऐसा तुम किसी के लिए कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पैसिव एंगर. तुम्हें है कि नहीं, सब टिक कर रहे हो कि नहीं? मूड ब्रेक, अभी अभी तैयार है जाने के लिए और अचानक किसी फ्रेंड का फोन आ गया, अचानक मम्मा ये नया पापा ने कुछ कह दिया, मेरा मूड नहीं आया, बात खत्म, माई मूड हैज ब्रोकन नाउ, दैट्स ऑल. ये मूड ब्रेक की जो फ्लक्चुएशंस आती है ना तुम्हारे मूड्स में, इतनी ज्यादा यूं, तुम्हारे हार्ट का तो अगर ग्राफ खींचे तो बेचारा क्योंकि वो ECG का पेपर तो इतना सा ही होता है, मैंने देखा है कई बार ECG का ग्राफ, और तुम्हारे मूड फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा है तो ECG के 10 ग्राफ भी लगाए ना तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारे मूड फ्लक्चुएशंस को वो कैप्चर कर पाएगा किसी दिन. मूड ब्रेक्स होता है कि नहीं ऐसा? दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैसिव एंगर. रिजेंटमेंट, फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर, रिजेंटमेंट, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा आज, अब सुबह से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो तुम उठे ही हो, होते हैं ना, अभी तो तुम उठे ही हो और आज कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, अरे अभी तो यू हैव जस्ट गेट आउट ऑफ द बेड और अभी से तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, व्हाट इज दिस डे कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अ रिजेंटमेंट डे, ऑफ रिजेंटमेंट. उठते ही सम नेगेटिव फीलिंग्स हैव सराउंडेड यू, इज इट वेरी प्लीजिंग और वेरी पेनफुल? वेरी पेनफुल. एंड हु इज क्रिएटिंग दिस पेन? You are creating, because situations may change. Life में situations तो हर किसी के लिए अलग अलग आती है. Situations were not all the way good for Duryodhan. Situations were not all the way to Arjun also. अच्छा था क्या कुछ? Situations were not good for Draupadi. Situations were not good for Yudhishthir. In fact, situations were not even good for Krishna himself, isn't it? अरे तुम बैटल फील्ड में छाती चौड़ी करके जा रहे हो और अचानक वो बोल दे पीछे से मुझे युद्ध नहीं करना, व्हाट इज योर सिचुएशन? कृष्णा की जिंदगी में सिचुएशन क्या होगी उस टाइम जिसके भरोसे पे तुम ये युद्ध जीतने निकले हो, वो पीछे से कमांड कर दे भैया मेरे को तो सामने मेरे सारे दोस्त और मित्र और परिवार जन दिखते हैं, मुझे लड़ाई नहीं करनी. कृष्णा ने किसी और सिचुएशन को उस टाइम फील नहीं किया होगा क्या, फेस नहीं किया होगा? बट ही वॉज कृष्णा.
But he was Krishna and therefore he derived the whole Bhagavad Gita telling you about right and wrong, telling Arjuna about what is right and what is wrong. Or is he right or wrong ke perception se, Arjun, now you come into the battlefield and fight for the right, fight for the dharma, dharma yudh. सिचुएशंस हर किसी की जिंदगी में खराब आती है. राम की जिंदगी तुमने नहीं देखी. ये माइथोलॉजीज जो है, दीज आर जस्ट टू कन्वे दिस मैसेज टू यू दैट सिचुएशंस इवन इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड हैव बीन वर्स. मतलब तुम्हें तो 14 साल का वनवास दे दिया जाए तो तुम तो सुसाइड को शायद ज्यादा अच्छा समझो. तुम्हें नीचे का कमरा मिल गया है तो उसमें तुम इतने दुखी हो रहे हो. जस्ट थिंक एक रात पहले तक किसी का राज्याभिषेक होने वाला हो. एक जस्ट थिंक इमेजिन. तुम्हें पता है कि रामायण वामायण हम नहीं देखते. तुम लोग कुछ मालूम है ना रामायण की स्टोरी? तुमने उसमें तो देखा होगा कार्टून में अपने. हमने तो ओरिजिनल रामानंद सागर वाली देखी है. तुम लोग अब सब कुछ एनिमेटेड वर्जन देखते हो बट दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आई वॉच देम ऑल्सो. सिचुएशंस तो भगवान राम की, लॉर्ड महावीर कहो या लॉर्ड राम कहो, इन सबकी जिंदगियों में भी कैसे कैसे आए. एक रात पहले तक सिंहासन और एक रात बाद जंगल में चटाई पर सोना. तब तो झोंपड़ी भी नहीं थी. उसके बाद लक्ष्मण ने झोंपड़ी वगैरह बनाई. इस सिचुएशन के अंदर राम ने क्या किया? ही वेंट टू साइकेट्रिस्ट. ही वेंट टू, वेयर डिड ही वेंट? He just simply accepted the situation and he went into those 14 years of vanvas. That's all. आगे आगे भी अगर राम की जिंदगी देखो, सीता की जिंदगी देखो, everybody has suffered. Everybody has their part of suffering. But then what? Then what? They were happy. उनके पीछे इतने बड़े बड़े epics बन गए और तुम्हारी जिंदगी तो खुद in itself ही epic है. उनके पीछे पीछे ऐसी स्टोरीज बन गई कि जो आज तक याद है हम लोगों को हजारों हजारों साल बाद. लेकिन तुम लोगों की जिंदगी का कल का दिन भी हम याद नहीं करना चाहते. व्हाई? बिकॉज इट इज फुल ऑफ मिजरी. और जिन लोगों ने इन सिचुएशंस को भी एम्ब्रेस किया है, दे वर द एनलाइटेंड सोल्स. राम कहो, कृष्ण कहो, महावीर कहो, जीसस कहो. अरे जो जीसस पूरी जिंदगी लव एंड मर्सी के ऊपर बात करते रहे, दैट जीसस वाज आल्सो क्रूसीफाइड ऑन अ क्रॉस, इजंट इट? जो महात्मा गांधी जिंदगी भर अहिंसा के नाम पर, नॉन वायलेंस के नाम पर उन्होंने भारत को आजाद कर दिया, वो महात्मा गांधी ही आल्सो फेस द बुलेट्स. एवरीबडी हैज देयर शेयर ऑफ दीज पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ. बट वेदर यू Take those pains from them or not, it is only your choice. ये choice किसकी है? तुम्हारी अपनी है. तुम्हारे पास छोटी गाड़ी है और तुम दुखी हो, तुम्हें को बड़ी गाड़ी चाहिए, isn't it? ऐसा होता है ना. छोटी गाड़ी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं आजकल. सेंट्रो वेंट्रो का कोई स्टैंडर्ड है क्या? आई फील इट्स प्रेटी गुड. इट्स गुड. कम खर्चा है, कम झंझट है, कम मेंटेनेंस है. बट समवेयर इनसाइड यू हैव दिस परसेप्शन दैट बिग कार मीन्स बिग स्टेटस मीन्स Big friend circle means big ego feeding. But finally where do you land, Shraddha? Because if from all those big things you were landing into happiness, I don't think you would have landed into this shiver. Agar wo sab cheeze tumhe khushi de rahi hoti to shayad tum log aaj yahan aaye hi na hote. Tum sabko achhi tarah pata hai ki un sab cheezon mein tumhara confusion dhoond to raha hai khushiyan, lekin kahin khushiyan मिली नहीं है अब तक. सो ऑल दीज फीलिंग्स आर द फीलिंग्स ऑफ पेन. कैन यू गेस टू मोर मोड्स ऑफ एंगर? बोलो. टीजिंग, या दैट इज ऑल्सो एंगर. इग्नोर करना, अवॉइड करना किसी को, यस. ओ या सुसाइड. सीधा सीधा बोलो पल्लवी प्रभु, इतना बड़ा एंडिंग ऑफ लाइफ. हाँ. और जिंदगी में अभी तो तुम लोग छोटे हो, लेकिन जरा हमारी उम्र तक भी आओ ना, तो 40 साल के अंदर जिंदगी में एकाध इंस्टेंस जरूर सबकी जिंदगी में ऐसा आया होगा, सिचुएशन, जब तुमने सोचा होगा इसे फेस करने से अच्छा है मर जाओ. ऐसा सिचुएशन आता है, अरे कॉमर्स विद मैथ्स नहीं मिली तो इससे अच्छा मर जाओ. साइंस विद मेडिकल विद मैथ्स या नॉन मेडिकल जो भी है नहीं मिली तो इससे अच्छा है घर पे बैठो.
नो दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड फॉर लाइफ. ये आता है, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एंगर. तुम्हें, तुम लोग बड़ी सिंपथी इन लोगों के साथ, सिंपथी उनके साथ शेयर करने जाते हो कि अरे अरे इसे मृत्यु का विचार आ रहा है, बट एक्चुअली इज एंग्री. इसको तो एक मारो और ठिकाने लाओ इसकी बुद्धि, या उसे भेजो फ्रीडम फ्रॉम फायर के शिविर में. उसे पता चले कि देर इज लॉट मोर इन लाइफ टू लिव, देर इज लॉट मोर इन लाइफ टू सेलिब्रेट, देर इज लॉट मोर इन लाइफ to dance, there is lot more in life to share with people like you who are still in the search for happiness. Kitna kuch tum kar sakte ho. I liked being a teacher. Bacche the na, hum log teacher game bahut khelte the, aur mujhe kabhi student hona acha nahi lagta. Mujhe teacher hone mein bada maza aata tha, kyunki tab to kuch perceptions aise thi na, teacher matlab something jiske paas sari powers ho. Yahan mere paas koi powers nahi. Don't think ki yahan pe I am here being a teacher in front of you because I am having powers. लेकिन तब बच्चे थे ना, teacher मतलब तुम रोप झाड़ सकते हो, teacher means तुम जैसे चाहो वैसे चला सकते हो. Somewhere I liked being a teacher, but when that teaching aptitude it took a U turn and it turned inside my spiritual awakening, it turned inside my intellectual awakening, it is a cause of uplifting so many people near me, and I'm very happy about this now. Can you guess two more modes? Or batao, huh? Aggression to in itself is a anger. Sulking feeling. Okay. Depression. Depression is a form of anger. In a psychiatrist ke paas mat bhejo. They are basically angry people. See, the word don't have anger. Word have only angry people. तुम्हें लगे इस दुनिया में बड़ा क्रोध है, दुनिया में क्रोध नहीं है, खाली क्रोधी लोग हैं. Because where, अगर दुनिया में क्रोध हो तो हमें भी तो गुस्सा आना चाहिए ना. अगर दुनिया में frustration हो तो हमें भी तो frustration होना चाहिए. दुनिया में अगर mood breaks की situations हो तो हमारा भी तो होना चाहिए. So there is no anger in the world, but there are only angry people. There is no frustration in the world, but there are only frustrated people. And you yourself are the master of your this quality, whatever you say, vice or virtue, whatever. Tum khud hi iske adhikari ho. Whether you want to keep it or you want to drop it, it is your own choice. Tumhari apni choice hai. If you are feeling good, if you are feeling pleasing with this, all this shouting and crying and resented attitude, just go ahead with it. If you are happy with it, but somewhere check it. जब जब तुमने रेस्टोरेंट में सूप के बदले शोरबा आया और तुमने गुस्सा किया, what was the feeling inside? You have to check it. जब जब वो क्रो ने तुम पे शिट किया और तुम्हें गुस्सा आया और तुमने उठा के एक मारा उसको जो वापस तुमको ही लगा, what was the feeling inside? जब कोई आकर तुम्हारी कार को स्क्रैच कर गया, रगड़ के चला गया, what was the feeling inside? तुम इतना भी ठहर के अपनी फीलिंग को देखने अटक गए ना, यू हैव टेकन अ यू टर्न, यू और एटलीस्ट यू आर ऑन द क्रॉस रोड ऑफ टेकिंग अ यू टर्न. तुम जिंदगी में उस चौराहे पर आकर खड़े हो चुके हो जहां से तुम्हारा यू टर्न पॉसिबल है, बट फॉर दैट यू टर्न यू हैव टू स्टैंड अ वाइल ऑन द क्रॉस रोड. है कि नहीं? यू टर्न लेना हो तो क्रॉस रोड खड़ा तो रहना पड़ेगा कि सीधा यू जुप 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 जैसा तुम्हारे वीडियो गेम्स में होता है. वो वीडियो गेम्स में हो सकता है, मेरे से तो उसमें भी नहीं होता. मेरी गाड़ी तो वीडियो गेम में भी टकरा जाती है. लेकिन इन रियलिटी इफ यू रियली वांट टू टेक अ यू टर्न, यू हैव टू स्लो द स्पीड, यू हैव टू स्लो डाउन द स्पीड, और इनफैक्ट स्लो डाउन द स्पीड टू द जीरो लेवल ऑलमोस्ट, एंड देन टेक अ सेफ टर्न. Here also, if you want to celebrate life, if you want to celebrate this human birth, if you don't want to let it go like that kabutar and crow and that fruit on hanging on the tree and that dog, if you don't want to let it go, then you have to take a pause. You have to see inside you what feeling is right now with you. And once you realize that you are feeling pain with it, you are not at any pleasing self with this, once just that feel of pain and what the early man said, what inherent laws of life did he said was that anything you perceive as pain, you are going to avoid it.
anything you perceive as pain, you are going to leave it. You are going to set yourself free from it. So the choice is yours. The ball is always in your court. The ball is always in your court, whether to go in pain or to celebrate the life. So, finally, we come down to two inherent laws of life. Number one, life is governed by two major forces, namely pain and pleasure. Anything that you perceive as pain, you are going to avoid, and anything you perceive as pleasure, you are going to take hold of it, you are going to embrace. Number two, second law of life is, nobody gives you pain. It is your own creation. Be sure. Because if situations can give you pain, then in every situation, the proportion of pain or the ratio of pain should be same in every head. Isn't it? अगर सिचुएशन पेन दे सकती तो कल का तीखा तीखा सांभार खा के सभी को तो गुस्सा आना चाहिए था. Isn't it? आज का आज सब ठीक था क्या? अच्छा तुम लोग इतना तीखा खा लेते हो मतलब. ओके अगर सिचुएशन से ही पेन क्रिएट होता हो तो एक सिचुएशन से हर किसी को पेन होना चाहिए. बट देयर द इंटेलेक्ट कम इन बिटवीन, इट डिस्क्रिमिनेट्स. एनीथिंग which is causing pain and anything which is causing pleasure to you, you have discriminated it, and therefore whatever you have perceived as pain, you are going to avoid. Tikha tumhe laga, and tikha is painful for me. For me, tikha is painful. My throat burns aur maine us pe ye label laga diya, tikha is pain, therefore can I eat that sambar now? I am going to avoid. And agar tumhare liye ye label hai, tikha is यम्मी, कुछ बम्बैया खाने को मिला आज यहाँ, तीखा इज समथिंग वेरी गुड, तुमने ये लेबल डाल के रखा है, यू आर गोइंग टू ईट टू मोर बाउल्स ऑफ सांबार, इट इज पॉसिबल, इजंट इट? सिमिलरली इन लाइफ, वॉट एवर यू आर गोइंग टू परसीव एज पेन एंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू परसीव एज प्लेजर, पेन यू आर गोइंग टू अवॉइड, प्लेजर यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस. बट इन ऑर्डर टू कम टू दैट लेवल, इन ऑर्डर टू कम टू रियलाइज दैट पेन इन यू, because you people are cyber people, you people talk, think, work so fast in the speed of your data transmission. Tum log itna fast kaam karte ho ki tumhe malum bhi nahi hai ki right now you are feeling down, right now you are feeling in pain, right now you are in pain, tumhe malum hi nahi hai. And in pain ka matlab kya hai? Pain kahan hai? In. You are feeling in pain, you are in pain. What does it mean? Where is the pain? Pain is inside you. और जब ये pain तुम्हारे अंदर है तो whose responsibility is this to get the pain out of it, pain out of you? Whose responsibility? Your own. You have to evolve into a spiritual mature person where you yourself take the responsibility of your life now. क्यों आज की डेट में जगत में इतने सारे मंदिर है? जगत का तो मालूम नहीं लेकिन इंडिया में तो है. Why? Because people are not ready to take the responsibility of their own life. इसलिए कहीं ना कहीं जाके मंदिर में थोड़ा चढ़ा आते हैं, मंदिर में जाके थोड़ा भगवान से शिकायत कराते हैं, थोड़ा भगवान को दो चार फूल माला हार चढ़ा देंगे. Somewhere you take the responsibility of my life. This is a very childish attitude. This can give you small childish happiness, but it can never invoke that eternal bliss which is lying within us. That eternal happiness, that unpunctuated happiness which is lying within all of us. Never. Always learn to take responsibility of life. The quality of a painting is the responsibility of a painter. Ab wo ye kahe, kabhi brush aisa tha, ये कलर्स ऐसे थे, ये कैनवस ऐसा था, तो इज ही अ मैच्योर पेंटर? नो. कैन ही बिकम माइकल एंजेलो और कैन ही बिकम दैट MF हुसैन? कैन ही? अंटिल द मोमेंट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेंटिंग, यू कैन नॉट टर्न इनटू अ बिग पेंटर. यू मे बी अ चलने वाला बात, तुम्हारे घर में टिंगी होगी तुम्हारी पेंटिंग्स, बट योर पेंटिंग विल नॉट गिव, यू विल नेवर सी ग्रैंड ऑक्शंस, grand exhibitions, never.
The quality of a sculpture is totally the responsibility of sculpture only, isn't it? मूर्ति की टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब वो मूर्तिकार ये कहे, वो शिल्पकार ये कहे कि अरे थोड़ी नींद आ गई मुझे, राफ्टिंग करके आए थे ना, तो थोड़ी नींद आ गई मुझे, तो ही इज अ वेरी इमेच्योर पर्सन, वेरी इमेच्योर. यू हैव कम हेयर टू अटेंड द रिट्रीट, इट शुड बी योर जजमेंट वॉट यू वॉन्ट टू डू. ओके, फर्स्ट टाइमर्स को कोई डांटेगा नहीं, फर्स्ट टाइमर्स के लिए कोई चिंता नहीं है. दे कैन डू फॉर ओनली वन डे एज पर देयर लिबर्टी, बट सेकेंड डे से प्रभुज विजिलेंस विल टेक केयर. सो वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेंटिंग, द क्वालिटी ऑफ योर पेंटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन. द क्वालिटी ऑफ फूड यू कुक एट होम इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब तुम ये कह दो कि बीच में उनका फोन आ गया ना, इसलिए थोड़ा आज दाल में नमक ज्यादा पड़ गया, डू यू थिंक इट कैन सॉफन द रिलेशंस? तुम्हें लगता है इससे घर का एटमोसफेयर बहुत अच्छा रहेगा? सो अ स्पिरिचुअली और अ ह्यूमन, ऑन ह्यूमन ग्राउंड ऑल्सो, द पर्सन हु इज मेच्योर इज द पर्सन हु इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज पेन and ready to take the responsibility of his pleasure. No God is required. And that's why Jainism don't believe in God. Tum beshak Bhagwan Mahavir ko mano, lekin Bhagwan Mahavir bhi kisi formless ke liye ki prarthna karte honge. Tum beshak Budh ki pratimaye banao, lekin Budh ne kisi pratima ke aage sir nahi jhukaya. Tum bhale ab Jesus ke itne sare चर्चेस बना लो, वहां पे क्रूसीफाइड हैं और मदर मेरी हैं, सब कुछ है, लेकिन जीसस नेवर बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ एनी गॉड. ये सारा तो बाद में शुरू हुआ, और तुम अपने जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसलिए यू आर सिंपली द मियर ह्यूमन बींग्स हु आर लिविंग द लाइफ जस्ट एज गुड एज बिट बेटर देन दैट क्रो और अ पिजन, अ कैबेज और अ मैंगो और अ डॉग और अ काउ. दैट्स ऑल. If you want to evolve this human life into a higher conscious, into a higher intelligence, into the deeper knowledge, into the deeper wisdom, you have to be ready to take the responsibility of your feelings. Tumhari feelings ki responsibility tumhe leni hogi. And what will happen then? Once you start taking the responsibility of your feeling, your pain, how can you take a U-turn? That we will discuss in next session. Thank you so much for listening with such a patience. It's for overing the session, is it? is it for, and we are tired. So thank you for completing the session. Or is this, these claps are for the piece of wisdom you people are taking along with you from now onwards? There is only one level on which you can get upset, and that level is emotional level, and emotional level is governed by two major forces, pain and pleasure. Thank you so much. Sat gyan ke lutaye hum par wo heere moti. Oh.
बोलो श्री सदगुरु देव श्री परम कृपाणु देव की जय। आज के आनंद की जय।